हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे अबाउट एंटी पार्टम हेमरेज। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी पार्टम हेमरेज, और हम काफ़ी शॉर्ट वे में स्टडी करेंगे अबाउट एंटी पार्टम हेमरेज, इतना ही कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो एंटी पार्टम हेमरेज को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंटी बिफोर पार्टम चाइल्ड बर्थ, हेमरेज मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, दैट इज ब्लीडिंग बिफोर चाइल्ड बर्थ इज नोन एज एंटी पार्टम हेमरेज। ये तो हो गई एक सिंपल सी डेफिनेशन। इसकी मेन डेफिनेशन की बात करें तो ब्लीडिंग फ्रॉम फीमेल जेनाइटल ट्रैक आफ्टर वायबिलिटी बट बिफोर बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन में क्या ऐड कर दिया, सिर्फ वायबिलिटी, मतलब जब फीटस वायबिलिटी पीरियड में पहुंच जाता है उसके बाद, बट बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, ब्लीडिंग होती है, उसको क्या कहते हैं, एंटी पार्टम हेमरेज। एंटी पार्टम हेमरेज का क्लासिफिकेशन हम देखें तो थ्री टाइप का क्लासिफिकेशन इसका हो सकता है, मतलब थ्री मेजर रीजंस हो सकते हैं एंटी पार्टम हेमरेज के। नंबर वन, प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल एंड वासा प्रेविया। उसमें भी जो सबसे ज्यादा एंटी पार्टम हेमरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग। ठीक है, अगेन प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग टू टाइप का होता है, नंबर वन प्लेसेंटा प्रीविया एंड नंबर टू अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, ऑल्सो नोन एज अब्रप्शन प्लेसेंटा। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया की। प्लेसेंटा प्रीविया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्लेसेंटा प्रीविया में ही आ जाता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया हम समझे तो ये क्या है, वेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्सली और कंप्लीटली इन लोअर यूट्रिन सेगमेंट्स एंड लाई ओवर और नियर द इंटरनल सर्विक्स ओपनिंग। ठीक है, मतलब वैसे तो प्लेसेंटा जो इम्प्लांट होता है वो अपर यूटेरिन सेगमेंट में होता है, पर समटाइम क्या हो जाएगा, लोअर यूटेरिन सेगमेंट में जब प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। लेकिन इसकी भी आगे डिफरेंट टाइप की स्टेजेस हैं कि क्या वो प्लेसेंटा उस सर्विक्स की ओपनिंग से दूर है या पास है या बहुत पास है या उसने कंप्लीटली उस ओपनिंग को ढक लिया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज ये आपका 4 टाइप का हो सकता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, ऑल्सो नोन एज मार्जिनल लेटरल इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीट। ठीक है, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेटेड इन द लोअर यूटरिन सेगमेंट इन क्लोज प्रोक्सीमिटी बट नॉट एक्सटेंडिंग टू द इंटरनल ओरिफिस। यहां पर आप देख सकते हो जो प्लेसेंटा इम्प्लांट हुआ है ये जो ओपनिंग है इंटरनल ओरिफिस की, जो ओपनिंग है सर्विक्स की, उससे काफ़ी दूर है। ठीक है तो लोअर यूटेरिन सेगमेंट में प्लेसेंटा, लेकिन उस सर्विक्स की ओपनिंग से का मतलब मान के चलो ये लोअर यूटेरिन सेगमेंट्स है, ये ओपनिंग है तो इससे थोड़ा यहाँ पर अटैच है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री, मतलब ये ज़्यादा सीवियर, ये सीवियरिटी है, मतलब फर्स्ट डिग्री आपका लेस सीवियर होगा और टाइप 4 आपका या 4 डिग्री आपका मोर सीवियर होता है। ठीक है, टाइप सेकेंड की बात करें तो व्हेन द एजिस ऑफ द प्लेसेंटा रिच इज द मार्जिन ऑफ द ओराइफिस। यहाँ पर आप समझो ये लोअर है, ये आपका ओराइफिस है, तो ये जो प्लेसेंटा अटैच हुआ है इस तरह से अटैच हुआ। ठीक है, ये प्लेसेंटा मान के चलो तो यहाँ पर अटैच हुआ है, यहाँ पे मेरा फोन का मार्जिन आप देख रहे हो, यहाँ पर मार्जिन में अटैच हुआ है, इसकी ओपनिंग अगेन ओपन नहीं है। ठीक है, तो जस्ट मार्जिन को इसने टच किया है प्लेसेंटा ने। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकेंड डिग्री और टाइप सेकंड और मार्जिनल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जो प्लेसेंटा का एज है उसने क्या किया है, सर्विस के ओपनिंग को के मार्जिन को टच किया। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 3। टाइप 3 में देखिए, व्हेन द प्लेसेंटा कवर्स द पोर्शन ऑफ द इंटरनल ओरिफिस, मतलब इसने क्या किया, मान के चलो ये ओपनिंग थी सर्विक्स की, उसने आधा ढक लिया आधा छोड़ दिया, मतलब आधा सर्विक्स की ओपनिंग ओपन है और आधी क्लोज, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट। और लास्ट वन इज डेट इज थर्ड वन, फोर्थ डिग्री। फोर्थ डिग्री में क्या होता है, व्हेन द प्लेसेंटा कम्प्लीटली कवर्स द इंटरनल, मतलब इसने कम्प्लीटली कर दिया, उसको ढक दिया। ठीक है, तो इस फिगर में आप देख सकते हो ओपनिंग जो थी इसको कम्प्लीट प्लेसेंटा ने ढक लिया है। टाइप 3 की बात करें तो इसका आधा पार्ट ओपन है आधा पार्ट क्लोज है, इस वाले में बात करें तो ओपन ही था। ठीक है, लेकिन मार्जिन को उसने टच किया था। ठीक है, ये जो नीचे वाले डायग्राम है ये डीसी दत्ता के हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कोई ह्यूमन एरर हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप हल्का सा आप देख सकते हो कि इसने इसमें भी बंद कर दिया, इसमें बंद कर दिया, इसमें भी बंद कर दिया, जो कि गलत है। इस वाले केस में ओपन ही होता है, सिर्फ मार्जिन को टच करता है, इस वाले केस में आधा ओपन होता है आधा क्लोज होता है,
इस वाले केस में कंप्लीट बंद होता है, ठीक है। तो इसका एरर डायग्राम ठीक है, ये ठीक है, मुझे लगता है कि दो में थोड़ी सी एरर हुआ है नोट ऑथर से, जब मतलब ड्राइंग बनाते हैं तो उस टाइम हो सकता है कि हल्का सा एरर रहा हो, ठीक है। अब बात करते हैं इटिलॉजी, इटिलॉजी को भी हम काफ़ी शॉर्टकट वे से याद रखेंगे। इटिलॉजी, इटिलॉजी की बात करें सबसे पहले हम देखते हैं निमोनिक, निमोनिक में आप क्या रखोगे, हाई SSP, हाई आपको पता है SSP एक रैंक होती है पुलिस में, तो उसी से आप याद रखोगे हाई SSP। एच से क्या आपका हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सी सेक्शन और सीजेरियन सेक्शन। आई से क्या आपका इडियोपैथिक, एच से क्या आपका स्कार, कोई स्कार है यूट्रस में, अगेन एच से क्या स्मोकिंग, एंड पी से क्या है प्रियोर क्यूरेटेज, मतलब कोई यूट्रस में कुछ टिश्यूज रिमूव क्यों होता है ना, क्या अबॉर्शन के बाद हम कुछ सफाई करते हैं यूट्रस की, तो कुछ उसमें उसके बाद भी प्लेसेंटा प्रेवी हो सकता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो इस तरह से होता है, तो आपने देख लिया हाई SSP। हाई SSP जो आपको याद रखना होगा इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब अननोन कोज, मतलब कोई अननोन, हम उन कोज को नहीं जानते। इडियोपैथिक की बात करें तो इडियोपैथिक में फोर डिफरेंट टाइप की थ्योरीज दी हुई हैं, आपको फोर डिफरेंट थ्योरी आपको याद रखनी है, डिफेक्टिव बीपी से, डिफेक्टिव ब्लड प्रेशर से, डी से हो जाएगा आपका ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, अगेन डी से हो जाएगा आपका डिफेक्टिव डेसिडिया, बी से हो जाएगा आपका बिग सरफेस थ्योरी ऑफ प्लेसेंटा, और आपका पी से हो जाएगा परसिस्टेंस ऑफ कोराइनिक एक्टिविटी, ठीक है। तो डिफेक्टिव बीपी, आई होप आपको इडियोपैथिक कॉजेज की जो हाइपोथेसिस दी हैं वो इनसे आपको हाइपोथेसिस के नेम याद हो जाएंगे, ठीक है, एटियोलॉजी आपको याद होगी। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, सिम्टम एक ही मेजर सिम्टम है इसका, डेट इज विजाइनल ब्लीडिंग। विजाइनल ब्लीडिंग के फीचर देखिए तो ऑनसेट कैसे होगा, सडन अचानक से ब्लीडिंग होगी, पेनलेस पेनलेस सडन ब्लीडिंग, और उसका जो कॉज होगा वो अपरेंटली हमें लगेगा कि कोई कॉज नहीं है, लेकिन बाद में आइडेंटिफाई करेंगे तो कॉज हो सकता है, लेकिन अपरेंटली विदाउट कॉज हमें अपेयर होगा, ठीक है, रिकरेंट मतलब बार बार ब्लीडिंग होगी। अब हम बात करते हैं साइंस, देखो सिम्टम वो होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है, साइन वो होते हैं जो हम पेशेंट पे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो साइंस आपको कैसे याद रखने हैं, VAG से, VAG वेज, ठीक है। आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना है, जी से हो जाएगा जनरल एग्जामिनेशन, ए से हो जाएगा आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, वी से हो जाएगा आपका वेजाइनल एंड वल्वर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जी से हम बात करें, जनरल अपीयरेंस कैसा रहेगा पेशेंट का, पेशेंट विल बी एनीमिक, क्योंकि एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है तो पेशेंट विल बी लुक लाइक एनीमिक, एनीमिक हो जाएगा, ठीक है, नॉट लुक लाइक, पेशेंट विल बी एनीमिक, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की बात करें तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आपको निमोनिक याद रखना है, एफ यू, आई होप आप समझ रहे हो, एफ यू, एफ यू आपको याद रखना है, एफ फॉर फीटस, यू फॉर यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के कैसे फीचर्स होंगे और फीटस के कैसे फीचर्स होंगे, तो यूट्रस के फीचर्स की बात करें, यूट्रस के फीचर बड़े आसान है याद करने में, यूट्रस ने खुद ही अपने फीचर बता दिए हैं, मतलब यू टी देखो, टी मतलब नॉन टेंडरस होगा, ई इलास्टिक होगा, आर से देखे तो रिलैक्स होगा, एस से देखे तो सॉफ्ट होगा, TERS नॉन टेंडरस मतलब छूने से दर्द नहीं होगा, इलास्टिक होगा, रिलैक्स होगा और सॉफ्ट होगा। आई होप आपको यूट्रस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्लेसेंटा प्रीविया में याद हो गए। फिटस की बात करें तो फिटस में फिटल हार्ट साउंड प्रेजेंट होगी, फ्लोटिंग हेड होगा वर्टेक्स पोजीशन में, एंड फिटल का मेल प्रेजेंटेशन होगा, मतलब प्रेजेंटेशन भी अब नॉर्मल होगा, ठीक है। अब देखते हैं वी, वल्वर एग्जामिनेशन, वल्वर एग्जामिनेशन में आप क्या देखना है कि ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, यदि हो रही है तो उसका फीचर कैसा है, उसका करेक्टर कैसा है ब्लड का, तो यहाँ पर करेक्टर कैसा होता है, ब्राइट रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीछे में भी क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा प्रीविया में जो अब ब्लड का फीचर कैसा होता है, ब्राइट रेड फीचर होता है, ठीक है। अब बात करें अगेन वी की, डेट इज वेजाइनल, वेजाइनल एग्जामिनेशन इज प्रोहिबिटेड और कॉन्ट्राडिक्टेड इन केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्राडिक्टेड मतलब नहीं परफॉर्म करते, परफॉर्म करोगे तो डिजास्ट्रस ब्लीडिंग हो सकती है। वेजाइनल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्राडिक्टेड इन प्लेसेंटा प्रीविया बिकॉज ऑफ द डिजिटल एग्जामिनेशन कैन कॉज फर्दर सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड ट्रिगर डिजास्टर हेमरेज, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है कि एक्सेसिव डिजास्टर ब्लीडिंग हो सकती है। आई होप आपको कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया एंड एंटीपार्टम हेमरेज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, पार्ट टू में हम बात करेंगे डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एंड अप्रोप्सिया प्लेसेंटा के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हमारा एंटीपार्टम हेमरेज टॉपिक खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा, आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट भी करो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा व्यू ऑफ एक्सप्रेशन कैसा आपको टीच करने का, इसमें कोई इंप्रूवमेंट करनी कि नहीं करनी, और कौन सा टॉपिक है जो मुझे आपको बताने चाहिए, ठीक है। एंटीपार्टम हेमरेज के बाद हम बात करेंगे प्लेसेंटा
पोस्टपार्टम हेमरेज, क्योंकि एंटीपार्टम और पोस्टमार्टम से यूजली क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपको रेडीमेड